मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है और ये रेसिपी स्पेशल किड्स के लिए है और ये बहुत ही यमी और डिलीशियस बनती है। यहाँ देखें व्यूअर्स, मेरे पास तकरीबन जो है 6 बड़े साइज़ के जो है पोटैटोज़ बॉयल हुए हैं। ये देखें, ये जो है पोटैटोज़ मेरे पास है, ये बॉयल किए हुए पोटैटोज़ हैं। इससे मैं मज़ेदार सा जो है एक बच्चों के लिए ज़बरदस्ती रेसिपी बनाऊंगी और इसका जो नाम है वो है पोटैटो बटर फ्लावर। तो ये भी हम रेडी करेंगे। यहाँ देखें, ये मैंने इसको बॉयल किया हुआ है और यहाँ मैं इसको अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ सा बन जाए। यहाँ देखें व्यूअर्स, मैंने आलू को ग्रेट कर दिया है। ये देखें, ये बिल्कुल स्मूथ से होंगे, इसमें कोई भी जो है लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। इसको मैं मुझे आज और भी इसको एकदम स्मूथ करना है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना बटर ऐड करूँगी। यहाँ देखें व्यूअर्स, बटर भी आलूओं में मिक्स हो गया है। ये देखें, एक स्मूथ सा बैटर बन गया है। ये देखें, अब इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना सॉल्ट ऐड होगा। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इस बैटर को पाइपिंग बैग में ऐड कर देंगे और इसे बेक करने के लिए रख देंगे। मैं भी आपको इसका बेक करने का तरीका भी बताती हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत ही यम्मी और डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। ये 3 से 4 मिनट में जो है ये रेडी हो जाएंगे। यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैं जो है पाइपिंग बैग में मैंने जो है ये पोटैटोस का बैटर डाल दिया है और यहाँ देखें, मैं इसके फ्लावर से बना रही हूँ। आप भी जो है इसको किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं और ये बच्चों को दें। आलू तो बहुत ही हेल्पफुल है और आजकल तो सीजन में है। और यहाँ जो मैंने पोटैटोज यूज़ किए हैं, ये मैं पेशावर से लेकर आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पेशावर गए थे वेडिंग पर, तो ये मैं वहाँ से लेकर आई थी। बच्चों के लिए करें, लंच में आप उन्हें दे सकते हैं, लंच बॉक्स में आप ये रेसिपी जो है बच्चों के लिए बना के डाल सकते हैं। ये बहुत ही यमी और डिलीशियस और हेल्पफुल है। तो मैं ये तमाम जो है फ्लावर्स बना देती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको इसका पैक करने का तरीका भी बताती हूँ। यहाँ देखें व्यूअर्स, मैं इसे बेक करने के लिए ओवन में रख रही हूँ। आप इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। माइक्रोवेव में ये तकरीबन जो है 10 से 12 मिनट में रेडी हो जाएंगे। ओवन में जो है ये 3 से 4 मिनट में रेडी हो जाएंगे क्योंकि पोटैटोस हमारे बॉयल हुए हुए हैं और मैंने ओवन को गर्म कर दिया है। अब मैं इसे रख रही हूँ और जैसे ये रेडी हो जाएंगे मैं इसकी लुक आपको दिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर ये बच्चों के लिए ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यमी और डिलीशियस बनते हैं पोटैटो फ्लावर्स। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो है बटर पोटैटो फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। ये देखें, मैंने इसको ओवन में से निकाल दिया है। ये देखें, ये यमी से डिलीशियस से हमारे जो है पोटैटो फ्लावर्स रेडी हैं। आप भी बनाएं, एंजॉय करें मेरी इस रेसिपी को। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रेसिपी आप ज़रूर